तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने हैरी पॉटर का रॉ स्केच तैयार कर लिया है और अब हमको इसके ऊपर दोबारा पेंसिलिंग करनी है ताकि ये विजिबल हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्केच पर पेंसिलिंग पूरी हो चुकी है, अब टाइम आया है कलरिंग का। तो हमारे पास हैं डोम्स के नए 24 कलर्स जिनका इस्तेमाल हम करेंगे कलरिंग में और आउटलाइनिंग में, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्ट्रेट कलर पेंसिल से ही कलर किया जाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें बैकग्राउंड को करना है डार्क, तो उसके लिए हमें यूज़ करने हैं एक्रेलिक कलर्स। मेरे पास हैं फेविक्रिक के एक्रेलिक कलर्स जो कि इस बॉक्स के अंदर हैं पूरे 10। इन 10 कलर्स को आपस में मिक्स करके आप दर्जनों कलर नए बना सकते हैं। तो ये बॉक्स भी काफ़ी क्लासी लगता है, जो आप 200 से 250 के बीच में किसी भी स्टेशनरी से बाय कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड पर काला कलर ब्लैक एकदम कर दिया जाए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो काला ही करते हैं। Thank you.
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी हैरी पॉटर की ड्राइंग या कहें पोर्ट्रेट तैयार हो चुका है, जो सिर्फ चीप बजट पेंसिल्स कलर्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगर आपको ये ड्राइंग और वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।